हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन सेंटर बेथ पीजी में फिर से आप लोग का स्वागत है न्यू अपडेट के साथ। ध्यान दीजिए कैंडिडेट जो आप लोग रिटेन दे चुके थे उसका फिजिकल का एडमिट कार्ड दे दिया गया। बिहार पुलिस का जो आप लोग का फिजिकल का एडमिट कार्ड दे दिया गया और ज़्यादा लोग को भी मालूम होगा जो एडमिट कार्ड आ गया है। और दूसरी बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है। इसमें आप नोटिस को जरूर से ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बताया गया है कि डॉक्यूमेंट जो है आप लोग को क्या क्या लगेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट के बारे में इसको चर्चा किया गया है और डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर भी आप लोग को सेल्फ स्टेटस भी करना है। ठीक है, तो पहले हम आप लोग को एडमिट कार्ड के बारे में बता दें कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट नोटिस की ओर लेकर चलेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑल आप क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक करें एक ओपन लिंक खुलेगा वहाँ पर। खोलने का भाई यहाँ पर डाउनलोड कंस्टेबल फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड। यहाँ पर आपको दो चीज़ मांग रहा है, या आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से, दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास है तो आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालकर अपना यहाँ पर साइन करके यहाँ पर अपना सबमिट कर दीजिए क्लिक करके। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद अपना एडमिट कार्ड पर डेट देख लीजिए कब आपका फिजिकल टेस्ट है। ठीक है दोस्त, और उसके बाद सेकंड में आते हैं आपको फिजिकल, जो आप लोग ध्यान रखें जो फिजिकल आपको दिया गया है उसमें इम्पोर्टेंट नोटिस आपको बताया गया है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। सेकंड एंगल पर क्लिक करके अपना पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करिएगा। जिसने डाउनलोड होगा तो आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि 4/10/2019 जो ये प्रकाशित हुआ था, जो बिहार पुलिस का जो फॉर्म है आप लोग को 4/10/2019 को प्रकाशित हुआ था। आपको दो चरण में आपको एग्ज़ाम लिया गया था, दो चरण में आपको एग्ज़ाम लिया लिया गया था और जो परीक्षा फल है जो आप लोग का जो रिटर्न का जो रिजल्ट आया था आपको 8/6/2020 को रिजल्ट आया था। अब 15/7/2020, ध्यान रखिए 15/7/2020 को जो आप लोग को फिजिकल टेस्ट रखा गया है, 15/7/2020 जो आपको फिजिकल टेस्ट रखा गया है। और यहाँ देखिए आपको जो प्रवेश है जो 21/6/2020 को वेबसाइट पर www.cbcbi.nic.in पर बिहार पर अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आप लोग को साइट में साइट बताया गया है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और पढ़िए आप। यहाँ आप लोग को बताया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीटी की तिथि समय एवं स्थान की सूचना प्रवेश पत्र पर दर्ज है। ठीक है, शारीरिक परीक्षा को पीटी की निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा आयोग माने जाएंगे और उनका दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए दौरान अभ्यर्थियों को दस्तावेज की भी जाँच की जाएगी और इसके लिए दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिए जो कैंडिडेट अगर फिजिकल टेस्ट छोड़ते हैं तो उनको दूसरा अवसर नहीं मिलेगा और साथ ही आप लोगों का दस्तावेज भी आपको साथ में लेकर जाना है, जो कि आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक, कोई भी डॉक्यूमेंट छूटेगा तो। और दूसरी बात यहाँ पर बात ध्यान से सुनिए, जो लड़का का अगर एडमिट कार्ड, जो कैंडिडेट का अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, कोई चीज़ प्रॉब्लम है, तो 13/7 से लेकर 14/7 केंद्रीय चयन परिषद बैंक होल्डिंग सचिवालय हाल्ट के निकट 8001 पर स्थित कार्यालय में जाकर अपना एडमिट कार्ड जो अपना वहां से प्राप्त कर सकते हैं, जो आप मिल सकते हैं, यानी कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ऑफिस खुला रहेगा। शारीरिक दक्षता में जो आप लोगों को पीटी होगी, डॉक्यूमेंट उसमें आपको देना होगा। डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ बताया गया आपको 6 नंबर में शारीरिक दक्षता पीटी की तिथि पर सभी अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट समय पर आपने प्रवेश पत्र पर निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र के साथ उनकी एक सेट जो 100 अभिप्रमाणित यानी 100 अभिप्रमाणित
मतलब हो गया अपना सेल्फ स्टडी, एक सेट आपको यानी कि जितने आप डॉक्यूमेंट आप लोग मैट्रिक और इंटर के लेकर जाएंगे तो उसका टू कॉपी करके अपना एक सेट तैयार रखिएगा, उस पर आप लोग को 100 और प्रमाणित यानी सिग्नेचर करना है। ठीक है, यहाँ आपको 6 नंबर कलम में बताया गया है। ठीक है, साथ ही भेजता फोटो पहचान पत्र जैसे में आधार कार्ड, मतदान सूची, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि, कोई भी अपना पहचान पत्र कोई है आपका तो लेकर जाना अनिवार्य है। इंटरमीडिएट या समक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण संस्था योग्यता में प्रमाण पत्र दिनांक 1/8/2019 तक या इसके पूर्व ही आहर्त मान्य होगा। ठीक है, जो कैंडिडेट 1/8/2019 तक न्यू कैंडिडेट जो पास कर चुके हैं तो उनके जो इंटरमीडिएट का जो मान्य होगा जो प्रकाशित हुआ है न्यू कैंडिडेट के लिए। जन्म प्रमाण पत्र तिथि यानी कि मैट्रिक जो सर्टिफिकेट है आप लोग का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि 3 साल जो आपको सर्टिफिकेट आता है वो अपना लेकर जाना है। यहाँ आपको मूल प्रति। ठीक है, और समक्ष की प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति और जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो भी कैटेगरी में आते हैं अपना OBC IC ST होंगे तो वो अपना भी जाति अपना लेकर जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र पर पिता का नाम एवं पता अंकित होना और पर ही मान्य होगा। जाति जो होगा आप लोगों का उस पर नाम जो पिता का होना चाहिए, अपना नाम पिता का नाम एवं पता अंकित होना चाहिए। क्रीमी लेयर में नहीं आने पर संबंधित प्रमाण पत्र जो पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर NCL प्रमाण पत्र या महिला अभ्यर्थियों के लिए विवाहित और विवाहित क्रीमी प्रमाण पत्र पर पिता का नाम एवं पता अंकित होना भी मान्य होगा। ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर जो क्रीमी लेयर में आते हैं OBC तो उन पर अपना पिता का नाम एवं पता जो आपका एड्रेस होना चाहिए, नाम के साथ आपका और पिता का नाम एवं एड्रेस होना चाहिए। बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने के संबंधित में प्रमाण पत्र के सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए बिहार राज्य के गृह रक्षक यदि हो तो उन सभी प्रमाण पत्र के सभी गृह रक्षक को अभ्यर्थियों को अपने साथ ही केंद्रीय प्रशिक्षण में संस्था बिहार के गृह रक्षक वाहनीय और अनंतपुरा बिहटा और बुनियादी प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र पर होम गार्ड एवं व्यवस्था आई कार्ड दस्तावेज सबने समय लेना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो अपना अपना डॉक्यूमेंट अपना लेकर जाइएगा और उस पर अपना जो 2 कॉपी है होगा आपका एक सेट उस पर स्वयं जो अभी प्रमाणित जो बोल रहा है आपको करना होगा यानी स्वयं अपना सिग्नेचर करना होगा। जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने का अनुमति नहीं दी जाएगी। ध्यान रखें जो कोरोना वायरस में जो कैंडिडेट पाए जाएंगे तो उनको जो फिजिकल टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, 8 नंबर, कोरोना संक्रमण के ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और अनावश्यक रूप से अपने साथ किसी को नहीं लाएंगे, हमेशा मास्क एवं पहने रहेंगे तथा हैंड सैनिटाइजर जो होगा आपको खुद को ले जाना है, खाद पदार्थ जो पेयजल है आपका लेकर जाना है और प्रशासन द्वारा इसे संबंध में निगरित और निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। ठीक है, जो प्रशासन वहाँ का कड़ाई से पालन करेगा, साथ में कोई किसी को लेकर जाने की अनुमति नहीं है। सभी युग के उम्मीदवारों को विगत संख्या 2/2019 में 19 सभी शर्तों पर प्रावधानों पर पूरा करना अनिवार्य होगा। किसी भी विवाद या अध्यक्ष में केंद्रीय चयन परिषद के निर्णय के अंतिम एवं सर्वमान्य होंगे। ठीक है, 11 नंबर में आपको प्रेस मुद्रा और टाइपोग्राफिकल औषधियों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक है, दलालों से आपको बचना है, ये सारा प्रक्रिया आपको बताया गया है इसमें। ठीक है, तो अब जाती अपना अपना जो इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है तो फिर से दोबारा इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट में आपको लगेगा और कुछ आपको हम बता दिए हैं और ठीक से फिर एक बार आप ना रिपीट कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, थैंक्स।